हेलो फ्रेंड्स, biharrecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को रसगुल्ले बनाने की विधि बताऊंगी। ये छेने का रसगुल्ला है, ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। बस इसका जो है एक टिप्स होता है, छोटे छोटे चीज़ को हम मिस कर देते हैं इसलिए हमारा जो है रसगुल्ला ख़राब हो जाता है। तो आइए हम मार्केट के तरह बिल्कुल सॉफ्ट और ताज़ा जो है रसगुल्ला बनाते हैं। हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और हमारा देखिए दूध उबल रहा है, ये फुल क्रीम दूध है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें या तो मार्केट में एक विनेगर मिलता है वो, या फिर आप इसे छेने के पानी से फाड़ लीजिए। छेने का पानी आपको आराम से कहीं भी मिठाई के दुकान पे बोलिएगा मिल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ छेने का पानी लिया है, इसको हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे ताकि हमारा छेना अच्छे से दूध अच्छे से फट जाए। धीरे धीरे जो है इसको डालिए, ये अच्छे से फट जाएगा। अब देखिए हमारा दूध जो है फट रहा है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, आराम से धीरे धीरे फटने देंगे। 2 मिनट में हमारा दूध फट जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए छेना मेरा बिल्कुल फट चुका है, ये देखिए पानी अलग हो जाता है इसका और ये छेना अलग हो जाएगा। दूध आपको इसी तरह बिल्कुल फाड़ना है। अब हम इसको एक कपड़े में छानेंगे। अब देखिए मेरा छेना फट चुका है, तो हम इसको एक बर्तन लेंगे नीचे, इसके ऊपर हम एक कपड़ा डालेंगे। साफ कपड़ा रहना चाहिए, कपड़ा पतला होना चाहिए। और हम इसको अब इसमें हम ये जो हमारा जो फटा हुआ दूध है छेना है उसको इस तरह से हम छान लेंगे। और अब हम कपड़े को इस तरह से लपेट लेंगे, ऐसे कर लेंगे ताकि हमारा सभी पानी अच्छे से निचुड़ जाए और बिल्कुल छेने में पानी नहीं होना चाहिए। इसको हम लपेट के कहीं सूखे जगह पे टांग देंगे ताकि इसका सभी पानी निचुड़ जाए। अब देखिए हमारा पनीर पानी अच्छे से निचुड़ गया है, ये ठंडा भी हो गया है। हमने इसे आधे घंटे के लिए पानी निचुड़ने के लिए रख दिया था और ठंडा भी हो गया है ये। अब हम किसी एक डोंगे में इसको निकाल देंगे, पनीर को साफ से अच्छे से निकाल लेना है। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैदा है, हम ये 1 किलो दूध का पनीर है तो इसमें हम एक चम्मच इसमें हम मैदा मिलाएंगे। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये कहीं भी शॉप पे आपको कहीं भी मार्केट में जनरल स्टोर के दुकान में मिल जाएगा, तो हम 1 छोटी चम्मच इसमें ये भी मिला देंगे। ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें, अगर ये नहीं मिलाइएगा तो आपका कभी भी छेना जो है अच्छे से रसगुल्ला नहीं बनाएगा। अब हम इन चीज़ों 2 चीज़ों से मिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे आटे की तरह गूंथते रहेंगे, ध्यान से देखिए आटे की तरह इसको गूंथते रहेंगे। हमको तब तक गूंदना है जब तक ये मैदे की तरह बिल्कुल चिकना ना हो जाए, और इसमें से आपके जब ये परफेक्ट हो जाएगा अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपके हथेलियों में ये तेल तेल छोड़ने लगेगा। तो आप इसे लगभग 15 मिनट तक ऐसे मलिए, टाइम का कोई इशू नहीं है। ये है कि इसमें से तेल हथेलियों में लगने लगे तब सोचिए कि हमारा जो है ये डो तैयार हो गया है। अच्छे से हम इसको मस लेंगे। अब देखिए ये हम डो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिए हैं। जिस तरह से मैंने बताया था कि ये हथेलियों पे आप गोद इसका एक शेप दीजिएगा तो इसमें हाथों में तेल सा लगने लगेगा, तब समझिए आपका ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो एक छोटा छोटा आप इसको गोला तैयार करना है, ऐसे
छोटा छोटा गोला तैयार कर लीजिए। ये फूलता है, ये इतना छोटा रहेगा तो फूल के दुगना हो जाएगा। अब ऐसे हम गोला सारे जो ये पनीर है इसका सबका हम एक गोला तैयार कर लेंगे। अब देखिए हम कढ़ाई रख दिए हैं, आप कुकर में भी इसको बना सकती हैं, भगोने में भी बना सकती हैं, कढ़ाई में भी बना सकती हैं, तो हम कढ़ाई में बना रहे हैं। हम डालेंगे इसमें कि हमारा जो रसगुल्ला है वो अच्छे से इसमें अंदर डूब जाए उतना हम पानी, लगभग हम यहाँ 2 गिलास पानी डाले हैं। और हम इसमें 500 ग्राम चीनी डाल देंगे और इसका हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमें इसका सीरा तैयार करना है, चाशनी बनाना है मुझे। अब देखिए चीनी का जो है और पानी का हमें घोल तैयार करना है और इसमें 1 ताराजा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, क्योंकि रसगुल्ला का जो ग्रेवी होता है, जो पानी होता है, वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो 2-4 उबाल आने तक हम इसको अच्छे से खौलाएंगे और बना लेंगे। अब चीनी का देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम कूट के इलायची डाल देंगे, हरी इलायची है इसको हमने डाल दिया है। ये देखिए हमने गोल गोल करके सभी छेने को एक शेप दे दिया है। अब देखिए हम चाशनी में इसे डाल देंगे, सभी गोले को इस तरह से आप चाशनी में डाल दीजिए। बहुत ही जो है सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि मार्केट में तो लोग पता नहीं क्या मिलाते हैं। सही आप अपने आप के सामने बनाइएगा तो सही चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसको हाई फ्लेम पे ही लगभग 5 मिनट कवर करके इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको हमें पकाना है। तो देखिए हमने इसे अभी 5 मिनट के लिए इसको रखा है ढक के। अब देखिए ये थोड़ा इसका साइज बड़ा होने लगा है, हमें इसे 5 मिनट और रखना है। टोटल 10 से 15 मिनट तक हमें इसे अब हम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। देखिए इसका साइज भी बड़ा हो गया है। बिल्कुल आसान तरीके से घर में स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाइए, शुद्ध और जो है हेल्दी। इस तरह से आप रसगुल्ले बनाइए, बिल्कुल आसान है। अब देखिए हम इसको 5 मिनट और रखेंगे। अब देखिए हमारा रसगुल्ला बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए मैंने छोटा छोटा गोला डाला था, कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और ये बिल्कुल देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल आप जैसा मार्केट में खाते हैं सेम उसी तरह है। तो आप इस तरह इसे हम अब एक बर्तन में निकालेंगे। तो देखिए मार्केट के मिलावट से बचिए और घर में बनाइए फटाफट छेने का रसगुल्ला, जो सबको बहुत ही पसंद है। आप गेस्ट के आने पे या किसी त्योहार पे आप बना सकती हैं, बिल्कुल साफ सुथरा और ओरिजिनल जो है घर का, आपको इसमें कुछ मिलावट नहीं लगेगा। बाजार के जो है अशुद्ध चीज़ों से बचिए और घर में बनाइए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ये कितना खिला खिला और अच्छे से बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, न फटा भी नहीं है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया है उस तरह से आपको बनाना है, आपका रसगुल्ला परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।